हेलो टेक चार्जर्स, एक सेकंड में 57,000 से ज्यादा HD मूवीज के आप डाउनलोड कर सकते हैं। मुमकिन तो नहीं है, लेकिन दोस्तों आगे इसी के बारे में बताने वाला हूँ। लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूँ अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो दोस्तों शुरुआत में मैंने आपसे 57,000 मूवीज डाउनलोड एक सेकंड में करने के बारे में बोला था, लेकिन चलिए उससे आगे बढ़ते हैं। क्या आप स्पॉटिफाई की पूरी गैलरी सिर्फ 4 सेकंड में डाउनलोड कर सकते हैं? ये थोड़े से दोस्तों मुश्किल लग रहे हैं और मजाक जैसे भी, लेकिन दोस्तों कुछ ऐसा ही हुआ है जापान के अंदर। वहां के NIICT के जो इंजीनियर्स हैं वो एक टेक्नोलॉजी पर काफी लंबे समय से चुपचाप काम कर रहे हैं। वैसे दोस्तों इंडिया में इस तरह के जो काम होते हैं ना, तो उसमें वो हल्ला कुछ ज्यादा हो जाता है, लेकिन बाहर से जो टेक्नोलॉजी आती है वो सडनली एकदम मार्केट में आती हैं और दोस्तों मतलब कमाल कर देती हैं। तो पहला वाला जो रिकॉर्ड है इंटरनेट स्पीड का, वो भी जापान के नाम है और फिलहाल कुछ इस बार भी ऐसा ही होने जा रहा है। NIICT है क्या? ये जापान के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। इसके इंजीनियर्स इंटरनेट और इंटरनेट से जुड़ी हुई डिवाइसेस वगैरह चीजों पर रिसर्च करते रहते हैं। फिलहाल एक रिसर्च 2020 में उन्होंने कंप्लीट की थी, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट की थी, और इस रिपोर्ट में दोस्तों कमाल की स्पीड के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि समझना, महसूस करना और दोस्तों उसको पचा पाना तीनों ही दोस्तों बहुत ही मुश्किल है। स्पीड टेराबाइट्स में है दोस्तों, टेराबाइट्स। 1 टेराबाइट होता है 10,48,000 से ज्यादा मेगाबाइट्स होते हैं 1 टेराबाइट में। अब आप सोच लीजिए कि 1 टेराबाइट जब इतना है तो उन्होंने जो 317 टेराबाइट पर सेकेंड की स्पीड हासिल की है कितना हो सकता है। अब आप इस गणित को सोचिए और 57,000 HD मूवीज को सोचिए, तो दोस्तों कुछ भी मुश्किल नहीं है। एक सेकंड में इतना मुमकिन हो सकता है और 4 सेकंड में Spotify की पूरी गैलरी भी डाउनलोड की जा सकती है। अब इन सारी चीजों के आगे आपको बताते हैं कि आखिर ऐसा मुमकिन कैसे हो पाया। तो इंजीनियर्स ने तकरीबन 3,001 किलोमीटर लंबी एक ट्रांसमिशन लाइन अपनी बिछाई लैब के लिए, और उस लैब की ट्रांसमिशन लाइन में उन्होंने रिसर्च की। अब ये रिसर्च जो है ना, मौजूदा जो ऑप्टिकल फाइबर केबल है जिससे ब्रॉडबैंड चलता है दुनिया भर में, उसी में कुछ उन्होंने इंपॉर्टेंट बदलाव किए जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। बदलाव किस तरह के किए गए हैं, कैसे बदलाव किए गए हैं और उसको चेंज करने में या जो भी रेक्टिफिकेशन किया है उन्होंने ऑप्टिकल फाइबर केबल में, उसमें कितना खर्च आ सकता है 1 मीटर 1 किलोमीटर में, ये सारी चीजें दोस्तों अभी रिपोर्ट में नहीं बताई गई, क्योंकि जब वो चुपचाप कर रहे थे तो क्यों वो चीजों को साझा करेंगे। अगर हकीकत में वो इसको मुमकिन कर पाते हैं आने वाले फ्यूचर में, तो हम लोगों के सामने सब चीजें दोस्तों आ जाएंगी। फिलहाल आपको बता दूं कि ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड है दोस्तों, 317 टेराबाइट पर सेकंड इंटरनेट स्पीड का वर्ल्ड रिकॉर्ड। और इससे पुराना जो रिकॉर्ड है ना, वो भी दोस्तों जापान के ही नाम है, और वो रिकॉर्ड था तकरीबन 178 टेराबाइट पर सेकंड का। अब इन दोनों हाई स्पीड को छोड़ दें दोस्तों, क्योंकि ये सोच से समझ से सबसे परे है। लैब की बात और होती है और प्रैक्टिकल लाइफ की बात और होती है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में भी दोस्तों कमाल की स्पीड इसमें दुनिया में मौजूद है, जो कि हम लोगों के आम हाथों से और रोजमर्रा की जिंदगी से दूर है। कौन है दोस्तों जो दुनिया की सबसे बड़ी एरोनॉटिकल एजेंसी है? नासा, अमेरिका की नासा। वो दोस्तों इस समय 400 Gbps की स्पीड यूज करती है, जिसकी वजह से वो अपनी बड़ी बड़ी डेटा फाइल्स को दोस्तों चुटकियों में ट्रांसफर कर सकती है। लेकिन ये स्पीड दोस्तों सिर्फ नासा के पास है। वो उसने अपने सेंटर्स जो है वहां पर इस तरह का ट्रांसमिशन लाइंस, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स, इन सब चीजों का सेटअप बनाया हुआ है, जिसकी वजह से ये मुमकिन हो पाता है, क्योंकि वहां पर बाहर का जो भी दोस्तों कंजेशन है ना, वो सारा उसमें नहीं आता है। और ये चीजें हमारी लाइफ में दोस्तों बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग पब्लिक जो सर्विसेज हैं उनका यूज करते हैं। अब दोस्तों इंडिया की बात ही कर लें, सारी की सारी बात कर ली, तो इंडिया में जो हाईएस्ट स्पीड इस समय मौजूद है ना, जो हम और आप यूज कर पाते हैं ब्रॉडबैंड में, वो 512 Mbps की है। इससे ऊपर अभी हम लोग जा नहीं पाए हैं। बाकी 5G आ जाएगा तो उसके बाद दोस्तों वायरलेसली हम टेलीकॉम सर्विसेज का यूज कर पाएंगे, जैसे कि अभी तक टेस्टिंग में आया है कि 1 Gbps तक की स्पीड मिल जाएगी। वैसे आप लोग सभी जानते हैं दोस्तों आपके गांव का, कस्बे का, शहर का क्या हाल है, चाहे वो किसी भी कंपनी का आप नेटवर्क यूज करते हो, स्पीड किस तरह से रहती है, कभी बढ़ती ही नहीं दोस्तों, कभी 1 Mbps, 5 Mbps, इस तरह से चलता रहता है बस, और इंटरनेट चल रहा है दोस्तों। अब इन सारी डिटेल के बाद आपका क्या कहना है दोस्तों, कब तक ये फ्यूचर में आ पाएगा? क्योंकि जापान के इंजीनियर्स का कहना यह है कि अभी ये तो लैब टेस्टिंग है, जिसमें स्पीड गेन की गई है प्रैक्टिकली, और लोगों के पास तक पहुंचाना इस चीज को सालों दूर बात है, यानी कि फ्यूचर में कहीं छुपी हुई है। वो बात कब पूरी होगी हम लोग नहीं जानते, लेकिन दोस्तों खबर
वाकई में बेहद ही कमाल की है। अब आप जो कुछ कहना चाहते हैं दोस्तों नीचे फटाफट से कमेंट करके कह दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर अच्छी लगी हो और शेयर भी कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलेगा क्योंकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक रखिए अपना ख्याल, जुड़े रहिए हमारे साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।